हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस और देखते हैं कल के लिए कैसे ट्रेड करना है और कौन से बेस्ट स्टॉक हो सकते हैं। उससे पहले ये देखो कि आज के दिन कैसे ट्रेड करना था। तो आज सिंपल सा देखो, मार्केट ने भाई आज एक रिवर्सल दिखाया हमें 10:30 के करीब। मार्केट ने फॉल किया बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डब्लू पैटर्न बना के जो ये रिवर्सल आया, मैंने आपको कल ही बोला था कि भाई अगर यहाँ कहीं बाइंग के मौके मिले आपको, तो यहाँ पर बाइंग के पैटर्न मिले तो आपको बाय करना है, और सिमिलर वैसा ही हुआ। मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड में दिया आज के दिन। आई होप आज आप लोगों ने प्रॉफिट किया होगा। देखो यहां पर सिंपल डब्लू पैटर्न क्या आपको दिख रहा है यहां पर, जी हां, ठीक है। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मौका था ट्रेड करने का। स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ रख सकते थे, नहीं तो यहाँ रख सकते थे। छोटा ये वाला था, सो ये स्टॉप लॉस था। दूसरा ट्रेड देखो कहाँ पर था, वो यहाँ पर था। जब इसने यहाँ से फॉल आया, इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मार्केट दोबारा लौट करके इस लेवल पर जाएगा तो यहाँ पर सेलर फिर एक्टिव हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। यहाँ से फिर सेलर्स ने एक्टिव किया, इसको कहते हैं वी पैटर्न। तो आज के दिन वी पैटर्न बना, तो अगेन यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट का मौका था और काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें मिला। अब तो अगर आप यहाँ पर अब बैंक निफ्टी को देखो, तो आपको ऐसा लगेगा यार सेम पैटर्न बना है, सेम रिवर्सल आया जैसे निफ्टी में आया था। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो डब्लू पैटर्न सबसे बेस्ट कब होता है। मान लो ये लेवल है एक, ठीक है, जो हमने ये नीचे वाला लेवल हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। सेम लेवल से रिवर्सल करता है, पहले यहाँ से रिवर्स किया, फिर उसी लेवल से दोबारा रिवर्स किया। दूसरा मान लो कुछ ऐसा बनता है कि यार यहाँ से आया और डब्लू पैटर्न कुछ इस टाइप का बना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ बना और ये वाला हमारा ऐसा था। तो सबसे बेस्ट कौन सा डब्लू होगा, सबसे बेस्ट होगा ये वाला डब्लू, ना कि ये वाला डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का डब्लू बना जो कि इतना बेस्ट नहीं था। थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये होता है, लेकिन ये ट्रेड काफ़ी अच्छा साबित हुआ। ये भी हमने ये लेवल आपको एक दिन पहले बताया था और आपसे बोला था कि यहाँ से भाई देखो ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है, ये रेड कैंडल का, और फिर यहाँ से सपोर्ट भी लिया है ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो एक ट्रेड यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई दिया डब्लू पैटर्न का, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया। दूसरा मौका कहाँ बन सकता था हमारे लिए, अगर मार्केट इस लेवल को दोबारा क्या करता, टच करता, यानी कि जो ये फॉल दिखाता है यहाँ से, अगर इस लेवल पे दोबारा आता तो एक और सेल का मौका मिलता। बट मार्केट ने बीच से ही रिवर्स कर दिया, यानी कि सेल का मौका हमें नहीं मिला। तो हमें एक ही ट्रेड मिला, वो डब्लू पैटर्न वाला। निफ्टी में दो ट्रेड मिले और दोनों ही प्रॉफिटेबल रहे। अब हम देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी का प्लान देखो कल का, मार्केट ने साफ फॉल दिखाया और इसी लेवल से अगेन रिवर्सल दिखाया और यहाँ से फिर फॉल आया, ठीक है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। तो देखो प्लान क्या है, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलता है, जहाँ पर क्लोज हुआ है वहीं पर खुलता है और बाइंग का कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, हम लोग बाय नहीं करेंगे। हम लोग क्या प्लान करेंगे भाई, हम लोग प्लान करेंगे अगर हमें यहाँ कहीं ये सेलिंग के लिए मिल जाए ना तो काफ़ी अच्छा होगा, और फिर अगेन टारगेट हम लोग ये रख सकते हैं। तो सेलिंग का मौका देखेंगे यहाँ पर और स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मान लो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और आपको सेलिंग के मौके दिए, लेकिन क्या होता है ना कि जिन्होंने भी यहाँ पर सेल किया होता है वो फंस जाते हैं अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो। अगर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हम लॉन्ग का भी सोच सकते हैं। कल के दिन काफ़ी अच्छा डे है दोनों साइड जाने के लिए, ठीक है। तो कल रिस्की है, लेकिन रिस्क लोगे तो हो सकता है आपको काफ़ी प्रॉफिट हो जाए। यहाँ अगर आप सेल करते हो और यहाँ पर SL हिट हो जाता है तो आपको रिवर्सल के लिए भी तैयार रहना चाहिए कल के दिन, एंड पहला टारगेट ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कल के दिन ध्यान रखनी है। और सबसे बेस्ट सेलिंग और कौन सी हो सकती है, अगर ये लो तोड़ता है ना, जो आज का बना हुआ है लो, तो हमें ये लेवल मिल सकता है, ये वाला। ये लेवल क्या है, तो यार ये गैप अप ओपनिंग वाला लेवल है। तो ये देखो जो ये गैप क्रिएट हुआ था ना, तो ये गैप बॉर्डर है, समझ गए। तो पहला टारगेट हम ये रख सकते हैं अगर आज के लो पे सेल करते हैं तो, और इसके नीचे निकलता है तो ये टारगेट हम लोग रख सकते हैं। तो यार निफ्टी 50 के अंदर देखो कल क्या प्लान कर सकते हैं हम लोग। ये देखो मार्केट यहाँ पर गिरा, सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छा रिवर्सल है इस लेवल से ऊपर से। तो हमने ये लेवल हमने पूरा ये रेंज मार्क कर ले, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन भी आपको दिख रहा होगा। तो ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है, हमें इतना पता लग गया है, ठीक है। मैं इसकी रेंज भी बता देता हूँ आपको एक बार, तो इसकी रेंज ये देख लो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपसे मार्क करने में, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्लान क्या है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है भाई और यहाँ कहीं बीच में अप्रोच करता है तो हमें छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा इतना सा, ठीक है, एंड टारगेट हम लोग अगेन इस लेवल तक का रख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग कि यहां अगर सेलिंग के पैटर्न बनते हैं तो हम लोग सेल का प्लान करेंगे। ये जो लेवल है ना, काफी आपको डिसीजन मेकिंग लेवल है कि यहां से आपको लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, यहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मान लो आपने यहां पर शॉर्ट किया इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन के बाद, ये जो है ना थोड़ा जैकपॉट ट्रेड हो सकता है, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद मान लो आपने सेल किया और आपका SL यहां हिट हो जाता है, तो आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए, ठीक है, और पहला
टारगेट ये रख सकते हैं ऊपर की साइड, और आपका सेलिंग अगर कामयाब हो जाता है तो आपको नीचे की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो नीचे की ओर कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, तो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कहाँ तक होगा। जो आज का लो है ना, उसके नीचे हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं आज के लो से, इस चीज़ को समझो। बट यहाँ पर एक सेलिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर देखो कौन सा लेवल है, ये गैप बॉर्डर क्रिएट हुआ है, ये गैप फिल होता है तो और नीचे हम लोग पहुँच सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर इसके नीचे हम लोग काफ़ी, उसके ऊपर हम लोग काफ़ी अच्छा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। क्यों भाई, ये लेवल देख लो यार, एक फर्स्ट टाइम रिवर्सल, सेकंड टाइम रिवर्सल, थर्ड टाइम रिवर्सल, तो भाई ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत लंबा फ्लैग बना चुका है अभी, इस चीज़ को आप देख रहे हो, ये फ्लैग जैसे ही टूटेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है अपसाइड के अंदर। ओके, तो अब देखते हैं बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुमारो। तो पहला स्टॉक है भाई हमारा हैवेल्स इंडिया, दूसरा है पॉली कैब और तीसरा है टाटा पावर। एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं। तो हैवेल्स इंडिया के अंदर अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ से बाइंग का प्लान करना चाहिए, तो जिस चीज़ को आप देखो, जैसे ही अपने हाई के ऊपर निकलता है ना गाइस, जो आज का ये कंसोलिडेशन देख पा रहे हो इस लेवल के ऊपर, ये बॉक्स कंसोलिडेशन, जैसे अपने हाई के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। और स्टॉप लॉस कितने का रखेंगे, 1000-1200 का स्टॉक है, हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे भाई 10-12 रुपये का, टारगेट रखेंगे 20-24 रुपये का, बीच बीच में थोड़ा सा बुक करते हुए चलेंगे। अगला स्टॉक देखो वो है पॉली कैब इंडिया। तो पॉली कैब के अंदर क्या करना है, पॉली कैब भी भाई अगर अपने हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहां पर बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस कितना रखेंगे भाई, यहां पर हमको स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा 15-17 रुपए तक का, और टारगेट इसका डबल रख सकते हैं, और बीच बीच में थोड़ा सा बुक करते हुए चलेंगे। अगला स्टॉक देखो है टाटा पावर। तो टाटा पावर के अंदर अगर आप देखो तो काफी अच्छा मूवमेंट आया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको डे के चार्ट पे भी देखोगे ना इन सभी स्टॉक्स को, तो कुछ ब्रेकआउट सा दिखेगा आपको, तो मैं आपको काफी अच्छे से समझाता हूं, ठीक है, कैसे मैंने इसको चुना है। तो यहां पर देखो ये ब्रेकआउट आया भाई अक्टूबर का, देख पा रहे हो, अक्टूबर का जो हाई था उसके ऊपर ये ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर ये सस्टेन करता है अपने हाई के ऊपर, जो भी इसका हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4-3 रुपए का, ठीक है, और टारगेट डबल रख सकते हैं क्योंकि स्टॉक कम प्राइस वाला है। तो अब देखते हैं जो मैंने कल स्टॉक दिए थे उनको कैसे ट्रेड करना था। तो अवंती फीड को देख लो एक बार भाई, क्या मूवमेंट आई है, देख पा रहे हो, ए वन डे की कैंडल, 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मैंने कहा था इसको 4-42 के ऊपर बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है, और ये देखो बाइंग, आई होप आज आपने पैसा जरूर बनाया होगा। दूसरा देखो इंडिया मार्ट, मैंने आपको कहा था इसको हम बाय करेंगे 48.90 के ऊपर, ये देखो मूवमेंट यहाँ थोड़ा सा ऊपर फिर सस्टेन हो गया, यहाँ प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। अगला स्टॉक देखो था रैमको इंडिया। तो रैमको इंडिया में मैंने आपको कहा था हम लोग बाय करेंगे किसके ऊपर, 230 के ऊपर, ये देखो आपका प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलो यार, 7-8 बंदे रोज रेगुलर देख रहे हो लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो, प्लीज लाइक करो, थोड़ा मोटिवेशन दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।